कर रहा हूँ मैं अपने घर से। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरी आज की न्यू ब्लॉग में। तो गाइज मैं निकल रहा हूँ इस समय दिल्ली के लाहौर में हो रहा हूँ काफी ज्यादा लेट, क्योंकि गाइज मेरे को निकलना है 6 बजे और बज चुके हैं 7 और दिल्ली में होने वाली लॉन्ग राइड की तैयारी अपनी ZX NR पे। और गाइज सोच रहा हूँ यार दिल्ली में ना अपनी पूरी ZX NR को मॉडिफिकेशन करा दूँ। आप सब लोग को पता है मैं काफी टाइम से अपनी ZX NR को मॉडिफाइड नहीं करा रहा, पिछले 2 महीने से चल रहा है कि रैप होगा। अब जाके दिल्ली जाके मैं रैप कर पाऊँ। और आप सब लोग को मैं चीज दिखाना चाहता हूँ गाइस, आप सब लोग को पता है मेरी बहन अभी लंदन से आई है, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। तो गाइस गिफ्ट तब से 20 दिन से मैंने ऐसी पड़ा हुआ ऐसी रखा हुआ, तब से अनबॉक्स नहीं कर, इसको भी दिल्ली जाके अनबॉक्स करूँ। मैं फटाफट निकल रहा गाइस मेरे को हाईवे की ओर। और गाइस मैंने टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। गाइस पिछली बार दिल्ली गया था गाइस अकेले, इस बार भाई के साथ जा रहा हूँ दिवाज भाई के साथ, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। रस्ते में गाइस हाइपर राइडिंग करेंगे, रॉकेट बना देंगे। और आप सब लोग को ना मैं निकलने से पहले एक दो अपडेट देना चाहता हूँ कि नई सुपर बाइक के बारे में प्लानिंग मेरी फाइनल होने वाली है बस कुछ ही दिनों में। अगर आप सब लोग मेरा बैग देखोगे ना भाई, बैग ना पूरा भरा पड़ा है, मेरे शूज कपड़े वपड़े लैपटॉप भी है गाइस पैक के अंदर, क्योंकि मेरे को वहां पहुंच के एडिटिंग भी करनी है, आप सब लोग के डेली ब्लॉग भी बनाने। तो गाइस प्लीज आप सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों पे शेयर करा करो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस दिल्ली ZX NR की मैंने लगा दिया है, ये होने वाला को स्टार्टअप। 3, 2, 1 गो। इसमें फ्यूल भी कम है, फ्यूल भी बढ़ाना पड़ेगा। रेडी हो गाइस, ऑल सेट। आप सब लोग मेरे को देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक है मेरा। तो मेरे को दिल्ली पहुंच के ना ये वाला वाइजर दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट वाइजर है, तो मेरे को ब्लू वाला वाइजर भी खरीदना है, क्योंकि आप सब लोग को पता है ब्लू वाला वाइजर बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है भाई। ये देखो किलर लुक भाई, रैप्टर का लुक ना मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है सारी सुपर बाइक्स में। कमेंट डाउन करके बताओ आप सब लोग को ZX NR रैप्टर का लुक कैसे लग रहा है। एक सेकंड, अब देखो अब बताना। कमेंट डाउन करके बताओ आप सब लोग को ZX NR रैप्टर का लुक कैसे लग रहा है। तो ये होने वाला है पहला फ्यूल अप। तो अच्छा हुआ यार हमारा पावर है, पावर तो अलग से बना रखा है उन्होंने, नॉर्मल पेट्रोल का उधर है, पावर का इधर है। कोई आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ऑटोमेटिक में डाल दो, फुल कर दो। ये क्या हुआ, स्कैम? अच्छा, पहला कस्टमर मैं ही हूँ। मैंने सुना पहले कस्टमर को 20% डिस्काउंट मिलता है कंपनी की ओर से। क्या बात कर दी भाई, लोग टैंक करा लिए मैंने फुल, तो 1 लीटर में 10 की एवरेज देगी हाईवे पे। तो मेरे ख्याल से 20 लीटर में ना 200 किलोमीटर चल जानी चाहिए बहुत प्यार से, क्योंकि पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था ना तो मतलब मेरा आधा पेट्रोल खत्म हो गया था पहुंचने से पहले ही पूरा का। भाई एवरेज बहुत गंदी है 10 आर की, और अभी तो 306 से 300 फाड़ूंगा। यहाँ से उत्तराखंड को बोलते हैं बाय बाय। फुल पावर के साथ भाई लोग यहाँ हाईवे में एंट्री हो चुकी है। चलो रेस करते हैं, रेस। चलो। क्या किसकी वीडियो चलानी है आपको ये? भाई दिल्ली जाना है मुझे। तो भाई लोग आप सब लोग तैयार हो, मैं इसमें 300 मारने वाला हूँ, तो 300 मारेंगे। कुछ लोग कहते हैं ZX NR 299 जाती है, कुछ लोग कहते हैं ZX NR 320 भी जाती है। आज दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, आज दूध में से पानी निकाल दूंगा। अगर हाईवे खाली मिले ना आगे तो पूरी चीज को खींच देंगे, फर्स्ट गियर पूरा टॉप एंड जाएंगे, सेकंड गियर पूरा टॉप, और फिफ्थ गियर भी पूरा टॉप, और सिक्स्थ गियर भी पूरा टॉप, सारे गियर के टॉप एंड चेक कर लेंगे आज। आज रैप्टर के घोड़े खोल ही लेंगे। यार मैंने लाइफ में कभी 300 नहीं मारी है, पहली बार 300 मारूंगा। थोड़ा बहुत डर लग रहा है गाइस, थोड़ी बहुत मेरी फट रही है, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा यार, डर लग रहा है बहुत ज्यादा मेरे को, क्योंकि गाइस पहली बार मारूंगा। और एक सबसे बड़ा पंगा ये मेरे पीछे जो बैग है ना 20 किलो का है, उससे भी बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वही डर लग रहा है गाइस। क्या हुआ यार है? ये क्या कर रहा है? हाँ बाबा चलो। है? अरे बहुत चीजें है। चलो। भाई कह रहा स्प्लेंडर में बहुत जाने भाई। सही लग रही है 300 मारने गए। आर यू रेडी बॉयज? भाई लोग तैयार हो क्या आप सब लोग?
बहुत खतरनाक है भाई। मुझे नहीं पता आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। हवा का धक्का लग रहा है फिफ्थ गियर में, ऐसा लग रहा है भयंकर कि कोई पिक्चर खींच रहा हो। सही में आप सब लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत भयंकर प्रेशर है, बहुत भयंकर प्रेशर। ऐसा लग रहा है कोई पकड़ के पिक्चर खींच रहा हो भाई। जेड एक्सटर्नल घोड़ा है भाई, घोड़ा। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं देवपुरा। तो ना हम ना GPS के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिधर जिधर GPS जा रहे हैं ना उधर उधर जा रहे हैं। और इस बार वाला दिल्ली वाला रूट ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पिछली बार ना मैं दूसरे हाईवे से आया था, इस बार थोड़ा सा दूसरा रूट है। ओ भाई धूल चेक करो वहाँ पे, ओ भाई क्या हाल होंगे यार हम बाइकर्स के। ओ माई गॉड, और ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा मौसम यहाँ का ठंडा ठंडा सा है, चिल चिल सा है, पर अब धीरे धीरे ना गर्मी बढ़ रही है। अभी टेम्परेचर 27 डिग्री है, मैं सोच रहा हूँ यार दिल्ली में 42 डिग्री है, क्या हाल होंगे गाइस मेरे। पिछली बार जब दिल्ली से मैं घर आया था ना, तो मेरा 3-4 किलो वेट कम हो गया था गर्मी से और डिहाइड्रेशन से, क्योंकि ना मैंने खाना पीना सही से नहीं खाया था और पानी भी सही से नहीं पिया था। भाई लोग इस बार ना मेरे को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, खाना पीना मेरे को अच्छे से खाना है, और पानी वानी ना मेरे को खूब दबा के पीना है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है और डिहाइड्रेशन होगी ना गाइस तो मेरे को चक्कर भी आ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा पेट में गुड़गुड़ मच रही है, 300 भी फाड़ दी यार, 300 फाड़ने के लिए मेरे को रोड नहीं मिल रही। तो भाई लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हाईवे चेक करो, पहले हाईवे चेक करो, पूरा खाली हाईवे। यहाँ पे 300 ट्राई करूंगा, पर ये देखो यहाँ पे, ये देख लो कितनी ढीली चेन है, ये टूट भी सकती है, खुल भी सकती है और ढीली होकर लटक भी सकती है। डर लग रहा है गाइस, कहाँ खो गया हूँ मैं ये जिग्सो पजल में, मेज वॉइस पूरी की पूरी मेज है, फंस गया। ओ भैया ओ फंस गया भाई, इधर जाना है, इधर इधर इधर। तो जिस हाईवे में हम चल रहे हैं वो हाईवे भी खुला नहीं है प्रॉपर ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पर यहाँ से मेरे ख्याल से चलाना पड़ेगा ना यहाँ, बेड़ा कर गया। ले भाई पैनल टूट गया। ओ भाई यार बॉयस पैनल चटक गया, देखो दिल्ली पहुंचा हूँ नहीं, खर्चा पहले हो गया यहाँ पे। तो भाई देखो पत्थर भी टूट गया गाइस वहाँ पे। तो भाई लोग इसकी ना चेन टाइट करा देता हूँ, चेन ढीली है, चेन टूट गई ना तो आफत हो जाएगी, पूरी राइड खराब हो जाएगी यार मेरी। मैं राइड अपनी पूरी खराब नहीं करना चाह रहा, मेरे को राइड करना है यार दिल्ली तक अभी पूरा ना, तो चेन टाइट करवाता हूँ, देखता हूँ कर पाते नहीं कर पाते। है एक नंबर। तो भाई लोग चेन तो टाइट नहीं हो भाई, ऊपर से ना वो लॉक टूट गया। चलो कोई बात नहीं, तो पता नहीं कहाँ गुम हो चुके हैं हम, धूल मट्टी इतनी ज्यादा ना क्या बताऊं भाई, खुदाई चल रही है, उफो, वाइजर बंद करना पड़ेगा वरना अंदर धूल ही धूल हो जाएगी और गाइस मेरा मुंह काला हो गया मट्टी मट्टी से। मुझे नहीं पता हम कौन से एरिया में चला रहे हैं, पर हम जा बिल्कुल सही रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग मिल रही है और कहीं कहीं जगह तो ऐसी ऑफ रोडिंग मिल रही है गड्ढे गड्ढे भाई, रोड ही नहीं है, रोड कम गड्ढे ज्यादा है। फाइनली वेलकम टू दिल्ली बॉयज। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ दिल्ली के अंदर यार, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, मतलब दिल ना बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया है। अभी मुझे नहीं पता मैं कौन से एरिया में हूँ, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है, बहुत गंदा ट्रैफिक है यार, बहुत गंदा ट्रैफिक है, रोड की तो बात ही मत करो, रोड बहुत गंदी है यहाँ की सही में, धूल मट्टी गर्मी, टेम्परेचर 32 डिग्री है इस समय। ये चेक करो भाई, ये चेक करो, ये बहुत मस्त है भाई, क्या मस्त फ्लेवर बना रखा यार, क्या मस्त है, ओ माय गॉड, वाह वाह। तो मेरे को बताना यार कौन सा फ्लेवर है, इसका नाम क्या है, बहुत ऊंचा मार्ग भाई, बहुत प्यारा मार्ग। और गाइस मुझे कमेंट डाउन करके एक बात जरूर बताना, इसके नीचे नदी कौन सी बह रही है भाई। और रिएक्शन चेक करो यार, यहाँ पे व्हीली मारने का मन कर रहा है यहाँ पे भाई, ये दिल्ली रिएक्शन है, गर्मी गर्मी ने मार दिया भाई दिल्ली की। अगर इस वीडियो में 50,000 लाइक्स आ गए ना, तो दिल्ली में ना मैं क्यूट गर्ल्स रिएक्शन बनाऊंगा, बहुत भयंकर वाला, पहली बार बनाऊंगा।